गांव में। तो आप लोगों की जबरदस्त डिमांड के बाद में हम लोग आ चुके हैं आपके डिमांड को कबूल करने के लिए। गाइस आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड करी कि रेस कराओ आपकी मर्सिडीज की और निंजा ZX 10R की, तो आज वो होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस दोनों गाड़ी आप लोगों के सामने खड़ी हैं। मर्सिडीज जो है वो अपने आप में गाइस एएमजी है, यानी कि एक स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स सुपर कार भी है। और ये जो है भाई, इसका तो कहना ही क्या है गाइस, ये तो सुपर बाइक है, प्रॉपर ट्रैक बाइक है जो कि रेसिंग के लिए बनी है। आज इन दोनों की करवाएंगे रेस, ड्रैग रेस, और देखते हैं कि कौन जीता। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतने वाला है? भाई ये दोनों अपने आप में ये सुपर बाइक है, ये सुपर कार है। तो रेस होगी गाइस सुपर कार वर्सेस सुपर बाइक, बड़ा बड़ा शुरू करते हैं। और अगर आपको इनकी और अपडेट चाहिए तो गाइस इंस्टाग्राम पे यार मुझे फॉलो क्यों नहीं करते गाइस, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब लोग फॉलो कर लेना। बड़ा बड़ा शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो आप लोग ऐसी कोई ड्रैग रेस ट्राई मत करना, क्योंकि ड्रैग रेस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पावर के साथ में गाड़ियां भाग सकती हैं, और ये गाड़ियां तो भाई बहुत ज़्यादा तेज भागती हैं दोनों की दोनों। और इसीलिए हम लोग एक ऐसी वीरान सुनसान जगह पे आ चुके हैं। आप लोग देखो कोई ट्रैफिक नहीं है वहां तक, और इधर भी देखोगे कोई ट्रैफिक नहीं है वहां तक, एकदम खाली रोड है, बढ़िया रोड है जिसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूरा फ्लैट रोड है एकदम सीधा, ठीक है। तो यहां पर अब जो है फटाक से करते हैं ड्रैग रेस को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप देखो गाड़ियों के सिनेमैटिक शॉट्स। गाइस रेस से पहले दोनों गाड़ियों के पावर की भी बात कर लेते हैं। भाई ये है कावासाकी की निंजा ZX 10R जो कि चलती है 1000 सीसी के इंजन पे, यानी कि हमारी जो स्प्लेंडर होती है उसके अंदर होता है 100 सीसी का इंजन, और इसका जो इंजन है उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है, जो कि लगभग 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 4 सिलेंडर है, नॉर्मल बाइक का सिंगल सिलेंडर होता है, इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन है। वही अगर इस मर्सिडीज की बात करें तो गाइस ये चलती है 3 लीटर यानी कि 3000 सीसी के पेट्रोल इंजन के ऊपर, जो कि है बाई टर्बो, और ये बनाता है लगभग 450 हॉर्स पावर, यानी कि बाइक से डबल पावर बनाता है ये, लगभग 200 बनाती है ये, लगभग 400 बनाती है। लेकिन इसका जो वजन है वो काफी ज्यादा है। इसके सिलेंडर्स की बात करें तो ये चलती है 6 सिलेंडर के इंजन पे। अब भाई गाड़ी जो है ये है एएमजी, और एएमजी जो है वो मर्सिडीज की स्पोर्ट्स लाइन है। तो आप बिना देरी किए दोनों की रेस कराते हैं। चलो चलो चलो, मोहित रेडी है? रेडी। चलो लगभग 1 मिनट के अंदर रेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सब तैयार रखना। गाइस जो सेफ्टी है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये है सुपर बाइक, जरा सी जोर से रेस मारी। यार क्या कर रहे हो? अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं यार, थोड़ा वेट तो करो भाई, बहुत तेज धूप हो रखी है एक्चुअली में, और सब लोग परेशान हो रखे हैं। ये जो जगह है ये है गाइस दुबई। तो गाइस बाइक को लगाते हैं पोजीशन में, एवरीथिंग इज रेडी। मैं चलाऊंगा पहले बाइक, और बाद में जो है ड्राइवर भी चेंज करेंगे। बाइक की आवाज सुनना गाइस। रेडी? 3 बार फोन बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा।
भाई साहब कहीं बराबरी नहीं हुई। मैंने कई झटके मार लिए लेकिन फिर भी बहुत आगे निकल गया मैं। थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा भी नहीं खींचा बाइकों पर, कहीं पर भी जो गाड़ी है वो आगे नहीं थी बाइक से। शुरू में भी लॉन्च कंट्रोल इतना अच्छे से नहीं हुआ, गाड़ी अच्छे से लॉन्च नहीं हुई मेरी वाली, लेकिन फिर भी इससे आगे ही रहे मीशा। चलो सेकंड राउंड करते हैं, चलो। और भाई रेस के दौरान देखो ये फोन गिर गया और वो लोग वहाँ ढूंढ रहे हैं। ये देखो अमित भाई का फोन है, पूरा टूट गया भाई। ये तो नुकसान हो गया, फोन का नुकसान हो गया भाई, फोन का नुकसान हो गया। तो गाइस गाड़ी को भगाने के चक्कर में मेरा जो फोन है वो गिर गया। कहाँ गिरा ये? कम से कम 100 मीटर दूर पड़ा होगा फोन से कवर। भाई साहब, तो गाइस रेस के चक्कर में नुकसान हो चुका है, बहुत बड़ा। भाई ये गिरा कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने वहाँ जाके देखा, मेरे पास फोन नहीं है। और यार इससे गंदी क्या हालत होगी यार फोन की, पूरा क्रैक्ड है, ग्लास भी क्रैक्ड, अंदर भी क्रैक्ड है। आहा यार, ये जो फोन था, इस फोन से ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो डेटा है वो भी है। अरे यार, तो गाइज ऐसा होता है, हम लोग कुछ करते हैं, शूट करते हैं आप लोगों के लिए, और उसमें ऐसी कई बार बड़े नुकसान, मतलब ये होते रहते हैं हमारे केस में, लेकिन भाई हम लोग फिर भी करते रहते हैं आपको कुछ नया, कुछ मजेदार दिखाने के लिए। क्या बोले अब आगे, ये बताओ ड्रैग रेस कैसी लगी? वे जीता गाइस, उसके लिए लाइक करना जरूर से बनता है। बाइक जो है वो कहीं पे भी नहीं रुकी, लेकिन मेरे को एक दुख भी देके चली गई ये वाला। कवर में था फोन, वो भी नहीं बचा सका इसको। चलो नेक्स्ट राउंड करते हैं, सेकंड राउंड, राउंड टू करते हैं, और थर्ड राउंड में फिर ड्राइवर राइडर चेंज करेंगे। हो सकता है मैं ही नहीं भगा पा रहा हूँ, गाड़ी को। चलो एक बार फिर से सेम करते हैं। यार वो बाइक है क्या है, वो उड़ती है प्लेन की तरह यार, कहाँ पकड़ेंगे उसको। तो गाइस इस बार भी इन लोगों ने कुछ भी चैलेंज नहीं दिया, कोई आसपास नहीं आ पाया। और भाई मैं तो आराम से चल रहा था, फिर भी इतना आगे निकल गया। भाई ये गाड़ी ऐसे खींचती है, बहुत खतरनाक भागती है, और पैरों में हीट फेंकती है बहुत तेज। लेकिन गाइस राउंड टू में भी जीती है निंजा ZX 10R। अब जो है राइडर चेंज करते हैं, मैं चलाऊंगा गाड़ी को, करतार चलाएगा ये बाइक। भाई लाइक बनता है इस रेस के लिए यार, एक अलग ही चीज है। दोनों की जब टक्कर होती है, बात करें कंक्लूजन की लास्ट में, पहले वापस से चलते हैं एक बार और। तो गाइस अब करेंगे ड्राइवर चेंज। भाई साहब गाड़ी जो है भक्ति तो बहुत तेज है, लेकिन इसका जो हेलमेट है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी वाला है। जो हेलमेट है वो ही 25,000 का है, और वो जो है ना बहुत दबा के रखता है मुंह को, तो हालत हो जाती है ख़राब, लेकिन मज़ा आता है तगड़ा। चल भाई आ जा, गस पकड़ो। बहुत देर हो गई। उन्हें चला चला है, भग जा कुत्तों की जिंदगी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई साहब ये देखो यार, ये यहीं पे रखा हुआ है, और बेचारा मेरा फ़ोन, क्या करूं यार मैं, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। मेरी पॉकेट जो है उसमें कोई चेन नहीं है गाइस, कुछ नहीं है, और एकदम ढीली ढाली है, तो इसमें से ये निकल के गिर गया यार। दो बार हो चुकी है रेस, दोनों बार जीती है निंजा ZX 10R। देखते हैं इस बार क्या होता है, मैं चला रहा हूँ, मस्ती स्टार्ट करते हैं। राउंड थ्री। भाई साहब मैंने खींच दिया और निंजा बहुत पीछे रह चुकी है, बहुत ज्यादा पीछे है, मैंने फुल दबा रखा है।
और ये गई से निकल गई भाई, दूर तक मैंने टक्कर दी यार शुरू में, क्योंकि मैंने लॉन्च इस गाड़ी को बढ़िया से कर दिया, खतरनाक लॉन्च किया था, उसका लॉन्च खराब था, लेकिन फिर भी जो गाड़ी है वो लास्ट में आगे ही निकल गई। लेकिन ये वाली रेस कुछ बराबरी की सी रही भाई, भाई साहब गाड़ी से ये भी 160 की स्पीड में पहुंच गई इतनी सी दूर में भाई। उस टाइम जब रेस हो रही थी तो 170 पहुंच गई थी ये गाड़ी, लेकिन उसने पता नहीं कितनी भगा ली। चलो कंक्लूजन की बात करते हैं। तो गाइस फाइनली 3 राउंड्स हो चुके हैं ड्रैग रेस के, और आप लोगों ने देखा कि किस में ज्यादा पावर है। गाइस पावर का जो फिगर है वो मर्सिडीज का ज्यादा है, लेकिन इसके साथ के इसकी एक कमी और भी है, वो ये है कि इस गाड़ी का वजन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई ये एक बाइक है और ये एक गाड़ी है। तो जो गाड़ी है उसका वजन जो है वो लगभग भाई 2300 किलो के आसपास है, और 2300 किलो की अगर मशीन चलेगी तो भाई उसको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए खींचने के लिए। तो भाई रिजल्ट्स आपके सामने, जो मर्सिडीज़ है भागती वो भी बहुत तेज़ है, 160 की स्पीड तक गई जब मैंने लेके गया, लेकिन बस दिक्कत ये है इसका वज़न ज़्यादा है। और भाई ये जो बाइक है ना, ये बाइक बनी ही सिर्फ रेसिंग के लिए है, वो गाड़ी रेसिंग से ज़्यादा कम्फर्ट और घूमने के लिए, क्योंकि वो मर्सिडीज़ है। लेकिन ये है गाइस कावासाकी निंजा ZX10R, जो कि है सिर्फ भागने भागने के लिए। इस पे अगर बंदा बैठा है तो इतनी ख़राब पोजीशन में बैठता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके कि उसको बैठने में मज़ा नहीं आता, लेकिन जब गाड़ी भागती है ना तो एरोडायनामिक्स बनती है ताकि जो हवा है उसको बढ़िया से चीर पाए। और इसी हिसाब से इसके पावर, इसका गियर, इसका इंजन सब कुछ ऐसे डिज़ाइंड है कि फुल खींचे। अगर इस बाइक को प्रॉपरली लॉन्च किया जाए तो ये जो गाड़ी है वो कहीं भी टक्कर में नहीं रही। गाड़ी की तो फुल रेस दबा देते हैं, लेकिन बाइक का जो फुल रेस है, जो फुल थ्रॉटल है ना, वो नहीं खींच सकते। अगर फुल रेस खींच दिया तो गाड़ी का अगला टायर उठ के गाड़ी ऐसे गोलमोल हो जाएगी बाइक, तो वो पॉसिबल नहीं था। फिर भी जो निंजा है वो है गाइस आज का विनर। अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो के अंदर, आया है भाई आया है, तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। और भाई एक नुकसान भी हो गया गाइस, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको भी, और मैं भी देख लेता हूँ और टाटा बाय बाय कर देता हूँ। मेरे फ़ोन को गाइस टूट टाट गया है पूरा का पूरा। तो अब इस वीडियो के लिए भाई सब लोग लाइक कर देना, मैंने फ़ोन तोड़वा लिया इस वीडियो के चक्कर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सिर्फ मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय। और हाँ, अब निंजा के साथ में अगला क्या एक्सपेरिमेंट करना है वो भी नीचे जरूर से कमेंट्स बता देना, क्योंकि ये आइडिया भी आपका ही था, आपका ये आइडिया पिक करेंगे। बताओ क्या करना है इसके साथ, इन दोनों के साथ।